अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर, शर्जीना बीमार होती है और वो अस्पताल को कॉल करेगी और अस्पताल में कोई कॉल नहीं उठाएगा। वो डॉक्टर से बात करना चाहेगी लेकिन किसी के तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। वो मुस्तफ़ा को कॉल करेगी लेकिन मुस्तफ़ा भी बिज़ी होता है और इस वजह से मुस्तफ़ा को भी पता नहीं चलता कॉल्स का। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि जब मुस्तफ़ा घर आता है और देखता है कि शर्जीना बेहोश पड़ी है, तो शर्जीना को देख के उसकी हालत ख़राब हो जाएगा और वो जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करके शर्जीना को अस्पताल पहुंचाएगी। और वहां पर जब शर्जीना का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि तो मुस्तफ़ा का बच्चा पैदा हो जाएगा। मुस्तफ़ा बच्चे का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा लेकिन शर्जीना की हालत पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसकी वजह से बहुत बड़े सदमे में है। वो शर्जीना के पास जाएगा और कहेगा कि तुम तो चाहती थी कि हमारा बच्चा हो जाए और हम बहुत खुश हो जाएंगे और खुश रहेंगे, तो अभी तो हमारा बच्चा भी हुआ तो तुम कैसे मुझे छोड़ के जा रही हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस तरह टीज़र में दिखाया गया है कि डॉक्टर्स मुस्तफ़ा को कहेगा कि शी इज़ नो मोर, लेकिन हो सकता है कि वो बच जाए, क्योंकि अगर ये मर गई तो ड्रामा सीरियल की कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस ड्रामे की कहानी के मेन किरदारों में शर्जीना और मुस्तफ़ा है, तो अगर किसी का भी डेथ हो गया तो ये ड्रामा इन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि मुस्तफ़ा और शर्जीना एक रहे और शर्जीना बच जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।